इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन का बिगुल बज चुका है। टूर्नामेंट के पहले मैच में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम का आमना सामना विराट कोहली के रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होना है। हर सीजन की तरह इस दफा भी कागज पर सभी टीमें काफी संतुलित दिखाई दे रही हैं। पिछले सीजन फाइनल तक का सफर तय करने वाली दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2021 के ऑक्शन के लिए अपने कमजोर पक्ष पर बखूबी तरीके से काम किया है। दिल्ली ने स्टीव स्मिथ, उमेश यादव, सैम बिलिंग्स जैसे टॉप क्लास खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है। हालांकि सीजन की शुरुआत से पहले कप्तान श्रेयस अय्यर का टूर्नामेंट से बाहर हो जाना टीम के लिए बहुत बड़ा झटका है। दिल्ली कैपिटल्स की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत गेंदबाजी अटैक नजर आता है। टीम के पास कंगिसो रबाडा और एनरिक नोकिया जैसे दो जबरदस्त पेसर पहले से ही मौजूद हैं, जबकि उमेश यादव और टॉम करन के आने से टीम का पेस अटैक बेहद खतरनाक दिख रहा है। स्पिन विभाग में भी टीम के पास रविचंद्र अश्विन और अमित मिश्रा के रूप में दो अनुभवी गेंदबाज मौजूद हैं। वहीं अक्षर पटेल की हालिया फॉर्म टीम के लिए सोने पर सुहागा जैसे है। ईशान शर्मा और मार्कस टोनिस ने भी पिछले सीजन दमदार खेल दिखाया था। कप्तान श्रेयस अय्यर के आईपीएल 2021 से बाहर हो जाने के बाद दिल्ली कैपिटल्स का मिडिल ऑर्डर पहले से काफी कमजोर नजर आ रहा है। टीम के पास स्टीव स्मिथ, अजिंक्य रहाणे जैसे बल्लेबाजों का अनुभव जरूर है, लेकिन मैच के हिसाब से रनों की गति बढ़ाने का हुनर इन दोनों बल्लेबाजों के पास नहीं है। रहाणे का बल्ला पिछले सीजन खामोश ही रहा था, जबकि स्मिथ ने राजस्थान की तरफ से कुछ अच्छी पारियां जरूर खेली थी। कप्तानी मिलने के बाद ऋषभ पंत इस सीजन किस अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे इस पर भी काफी कुछ निर्भर करने वाला है। टीम पहली बार आईपीएल खिताब जीतने की कोशिश में है। अब देखना है ऋषभ पंत की कप्तानी में क्या दिल्ली पहली बार खिताब जीतने का अपना सपना पूरा कर पाएगी या नहीं।